सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे, मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मुंबई स्टाइल हरी भरी और तीखी चटनी, जो कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल परफेक्ट और गाढ़ी होगी, जैसा मुंबई में चाट और सैंडविच बनाने वाले यूज करते हैं। तो चलिए इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस हरी भरी चटनी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मिक्सी या ब्लेंडर, और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच बूंदी, और ये वही बूंदी है जिससे हम रायता बनाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी चटनी को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा और हमारी चटनी गाढ़ी भी बनेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच बूंदी डाल रही हूँ, और इसे डालने से हमारी चटनी को बहुत अच्छा कलर मिलेगा। और साथ ही में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ चना दाल, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों का यूज किया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि ये थोड़ी सी भीग जाए और इसे पीसने में आसानी हो। अगर आप दही की चटनी खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे पानी की जगह दही का यूज कर सकते हैं, जिसे डालने से चटनी का कलर और गाढ़ापन बना रहता है। आज यहाँ पे मैंने सिर्फ बूंदी और चने दाल का यूज किया है। आप अगर चाहें तो 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, भुजिया सेव या मार्केट में मिलने वाले साधारण सेव का भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, आपके पास जो भी हो आप उसे डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन 5 चीजों में से जो भी आपके पास हो आप उसे डालें, बस उसे स्किप ना करें, ताकि आपकी चटनी का फ्लेवर और गाढ़ापन बना रहे। अब हमारी बूंदी और चने की दाल हल्की सी फूल चुकी है, इसमें अब हम डाल देंगे 8 से 10 हरी मिर्च। यहाँ पे आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस चटनी को बाजार जैसी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्ची का ज़्यादा यूज़ किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टुकड़ा अदरक का, और साथ ही में 2 से 3 लहसुन की कली। यहाँ पे बहुत लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ पे इस चटनी में लहसुन को डालने से इस चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। पर आप लहसुन नहीं खाना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार काला नमक। यहाँ पे मैंने काले नमक का यूज किया है, अगर आपके पास खड़ा नमक है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इस चटनी को खटास देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। अगर आप यहाँ पे दही का यूज कर रहे हैं तो आप इस नींबू के रस को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सादा नमक। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि हमने काले नमक का यूज किया है, तो इसलिए हम सादे नमक का थोड़ा सा यूज करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, जिसे चटनी को बहुत अच्छा मिंट फ्लेवर मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखें कि पुदीना धनिया की क्वांटिटी से आधा होना चाहिए, क्योंकि अगर पुदीने की क्वांटिटी धनिया से ज्यादा होगी तो हमारी चटनी कड़वी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पुदीने के सिर्फ पत्ते लिए हैं, डंठल को बिल्कुल नहीं लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसे भी मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। यहाँ पे एक बात और कि मैंने धनिया के पत्ते के साथ डंठल को भी लिया है, क्योंकि धनिया का असली फ्लेवर उसके डंठल में ही होता है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे धनिया के मोटे डंठल ना लें, सिर्फ आप उसके पतले पतले डंठल ही लें। चटनी हमारी अच्छी तरह से पीस जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी। आप यहाँ पे इस चटनी में पानी का यूज ज्यादा ना करें, वरना हमारी चटनी पतली हो जाएगी, इसलिए चटनी को पीसने के लिए सिर्फ 2 चम्मच पानी का ही यूज करें। अब हम मिक्सी का ढक्कन लगाकर इस चटनी को अच्छी तरह से पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने इस चटनी को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पीस लिया है, और हमारी चटनी अच्छी तरह से पीस चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी और कितनी स्मूथ चटनी बनकर तैयार हुई है, और इसका कलर भी बिल्कुल हरा है, बिल्कुल मार्केट के चटनी जैसा। ये चटनी बिल्कुल परफेक्ट है सैंडविच, चाट और भेल बनाने के लिए। तो अब हम इस चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। आप इस चटनी को एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 2 महीने तक फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आपको कभी भी मुंबई जैसा सैंडविच, भेल या चाट खाने का मन करे तो आप इस चटनी को फ्रिज से निकालें और चटकारे लेकर एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।